हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सीट पर। तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जारी हुई है, जो बीएड 2020 बैच के बच्चे हैं उनके लिए नोटिस है। और साथ ही साथ बीएड जो है काउंसलिंग स्टार्ट ही है 2021 बैच वालों की, और उसकी जो है चयन यानी कॉलेज चूज जो है आज से स्टार्ट होगा। और आप लोग जो है कॉलेज जाकर चूज करिए सावधानीपूर्वक। तो अभी हम वीडियो में बात करेंगे कैसे क्या करना है, लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर एक अपडेट सही तरीके से और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम बीएड 2020 बैच से स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पर सुबह एक न्यूज आई थी आज की न्यूज़पेपर में, अमर उजाला में लिखा है बीएड कॉलेज आवंटन ना होने वालों का पैसा वापस। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बच्चे काउंसलिंग करवाते हैं, बीएड 2021 वाले भी बहुत ध्यान से सुने इस बात को, जो बच्चे काउंसलिंग करवाते हैं अगर उन्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है या उनका पेमेंट दो बार कट जाता है गलती से, तो उन सभी की फीस जो है विश्वविद्यालय वापस कर देता है। बहुत से बच्चों का बीएड 2020 बैच में वापस हो चुका था और बहुत से तकरीबन 700 से 800 बच्चे ऐसे थे जिनकी फीस वापस नहीं हुई थी, कहीं आईएफएससी कोड गलत हुआ या किसी न किसी रीजन से उनका वापस नहीं हुआ है। तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, साथ ही साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी ने उसके लिए नोटिस भी जारी की है और उन सभी लोगों की जिनकी फीस वापसी नहीं हुई उनकी सूची भी जारी हो गई है। तो हर एक चीज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर तो ये तो न्यूज थी, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, सीधा हम लोग नोटिस को ही देखेंगे। ये है नोटिस और आप देख सकते हो 17 सितंबर की ये नोटिस है। इसमें लिखा है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020-22 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज का आवंटन नहीं हो सका था अथवा शुल्क दो बार कट गया था, उन अभ्यर्थियों को शुल्क उनके द्वारा दिए गए बैंक खाते में स्थानांतरित किया जा चुका है। कुछ अभ्यर्थियों के बैंक खाते अथवा आईएफएससी कोड में त्रुटि होने के कारण उनका शुल्क विश्वविद्यालय वापस आ गया है। पात्र अभ्यर्थियों की सूची लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। ऐसे अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपना आधार कार्ड, अब देखो जिन लोगों की मैं सूची देने जा रहा हूँ, हालांकि ये सूची की मैं पूरी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, वो टेलीग्राम ग्रुप जो ऑफिशियल है और जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दो टेलीग्राम बना था तो एक टेलीग्राम जो है सही काम नहीं कर रहा था, तो एक ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप बना है, अगर आपने उसको नहीं ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जाकर जुड़ जाइए, वहाँ पर सारी अपडेट मिल जाएगी और जो आज की सूची है उसकी पीडीएफ भी वहाँ पर मिल जाएगी। देख लीजिए अगर आपका नाम उसमें है तो आपको जो है वो पैसे मिल सकते हैं, आप जाकर ले लीजिएगा। तो जिनका भी नाम है वो इतनी सारी चीजें लेकर आपको यहां जाना है। ऐसे अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना आधार कार्ड अथवा अन्य पहचान पत्र, या आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड कुछ भी आप लेकर चले जाइए, उसकी एक ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी के साथ एचडीएफसी बैंक विक्रांत खंड 3 गोमती नगर शाखा लखनऊ से बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर सकते हैं। यानी एचडीएफसी बैंक विक्रांत खंड 3 गोमती नगर शाखा लखनऊ आप जाइए, वहां पर आप सारी चीजें अपना पहचान पत्र दीजिए और बताइए कि मेरा लिस्ट में नाम है, वहां पर आपको ड्राफ्ट दे देंगे, सीधा ये अपने अकाउंट में जमा कर लीजिए, काम हो जाएगा खत्म, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इंस्टाग्राम पर भी आकर मुझसे बात कर सकते हो, अगर आपको कोई डाउट है तो। साथ ही साथ मैं इनकी लिस्ट भी देख लेता हूं, लिस्ट में कौन कौन से नाम है, तो आप देख सकते हैं यहां पर आरती यादव क्या रोल नंबर है 5000 5000 5000, सभी का ऐसे ही नाम दिया है। तो आपको अगर ये नाम ढूंढना है तो आप चले आइए टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां पर मैंने इसकी पीडीएफ दे दी है, आप पूरा पीडीएफ जो है आप यहां पर देख सकते हो, जिनकी भी फीस वापसी नहीं होती देख सकते हो आप लोग। तो कहने का मतलब जो बीएड 2021 वाले बच्चे जो काउंसलिंग कराने जा रहे हो, आप उन्हीं कॉलेज को चूज करिएगा काउंसलिंग में जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। अगर आपने कोई ऐसा कॉलेज चूज कर लिया जिसमें आपको एडमिशन नहीं लेना है और गलती से अगर वो कॉलेज आपको मिल गया तो आप लोगों की ना तो फीस वापसी होगी और ना ही आप कॉलेज बदल पाएंगे। तो आज से कॉलेज चूज करना है आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चूज करिए, लेकिन ऐसे ऐसे कॉलेज चूज करिए जहाँ पर अगर आपको कॉलेज मिल तो आप वहां पर जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सको, या नहीं मतलब आप वहां पर विजिट कर सको, कहने का मतलब ये है। ये नहीं कि आप कहीं पर अंबेडकर नगर में आप हो और आप कॉलेज चूज कर रहे हो नोएडा के किनारे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, या आप बलरामपुर के और आप कॉलेज जो है आप चूज कर रहे हो यहां नोएडा हो गया और इधर लखनऊ हो गया, इधर सब पर इतने दूर कॉलेज नहीं चूज करना, आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही कॉलेज चूज कर लीजिए, आसपास की डिस्ट्रिक्ट में भी आप कॉलेज चूज कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता तो फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी उसकी फीस वापसी करती है, जैसा कि बीएड 2020 वाले बैच को कर रही है। तो अगर आपको ये नोटिस चाहिए, ये आपको लेटर चाहिए, ये आपको सूची चाहिए, ये आपको लिस्ट चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर आइए, वहां पर मैं आपको दे दूंगा। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप किसी भी अपडेट से बच ना पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत। बच्चों अगर आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करने में कोई डाउट आते हैं तो अब आपको घबराना नहीं है क्योंकि अब आपके साथ है फिलो ऐप। जी हाँ, फिलो ऐप आप सबके लिए शानदार फीचर लेकर आ चुका है जहाँ पर आप सभी क्वेश्चंस का डाउट बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं।
आपका क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो। इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक्सपर्ट लाइव आकर आपके सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर करते हैं, और आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन ऑन पेपर फोटो भी खींच कर आप अपने सभी सवालों का जवाब पा सकते हैं, और आपका जो भी कॉल होगा वो सीधे एक्सपर्ट को कनेक्ट कर दिया जाएगा। व्हाट इज द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा? लाइसोजाइम एंजाइम इज प्रेजेंट। One is lysozyme and another is salivary amide. Application को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। चलिए गाइस, तो बेहतर डिस्काउंट के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हो THT002। आप बेहतर डिस्काउंट पाने के लिए इस कोड का